नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज है देवउठनी एकादशी। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ही के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन जो भगवान श्री हरि है अपनी योग निद्रा से जागते हैं, और आज ही के दिन तुलसी मैया के साथ शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो आज मैं भी थोड़ी बहुत पूजा करूंगी, विवाह तो नहीं करवाऊंगी लेकिन पूजा करूंगी एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन। तो मेरी क्या दिनचर्या रहेगी, वो लोग क्या होगा, पूरे दिन कैसे सेलिब्रेट करूंगी, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जो ठाकुर जी की पोशाक है वो मैंने बदल दी है, पूजा कर ली है, तो अब शुरुआत होती है घर को सजाने से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि घर के बाहर बंधनवार से जो अपना घर है सजाएं, तो आज मैं बंधनवार बना रही हूँ। तो ये तीन तो मैंने बना ली है, तो आज मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई है। ये हैं अशोक के पत्ते, तो इससे मैंने ये छोटे छोटे फूल बनाए हैं। बीच में मैंने लगा दिया है कि गेंदे का फूल, तो ये मैं मेन गेट पर लगा दूंगी। तो बस यहीं से मेरी दिनचर्या शुरू हो रही है, तो बाकी धीरे धीरे जो भी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने जो मखाने की खीर है बना ली है, क्योंकि एकादशी है तो व्रत में जो व्रत वाला खाना है वो ही खाया जाएगा, यानी कि फलाहार खाया जाएगा। तो जैसे जैसे मेरी दिनचर्या रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो मैंने ये बनाए थे बंधनवार, ये मैं घर के पास ही घर के बाहर ही लगा दूंगी। ये मैं डबल टेप से लगा रही हूँ। तो मैंने घर के बाहर अशोक के पत्तों से और फूलों से सजा दिया है, और अब थोड़ी सी घर की दहलीज भी सजाऊंगी गेरू से, क्योंकि हमें आज मैंने बताया था कि आज भी हमें ये उत्सव की तरह ही मनाना है और बहुत अच्छे से ही मनाना है। तो बंधनवार भी लगा दिया है, क्योंकि थोड़ा काम धीरे धीरे ख़त्म करते चले जाएँ, क्योंकि आज काम ज़्यादा है। अब मैं बनाकर रख देती हूँ पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, तुलसी के पत्ते, और बीच में मीठा डालेंगे। मैं बताशे डालूंगी, आप भूरा भी डाल सकते हैं। और जो दूध हमें कच्चा ही चाहिए होगा, और जो मखाने की खीर है वो मैं बनाई चुकी हूँ, खाने की तैयारी भी बाद में करेंगे। मैंने आलू भी उबाल कर रख दिए हैं क्योंकि व्रत वाला खाना ही बनेगा। ये सब करने के बाद मैं देव सुलाऊंगी, फिर उसके बाद शाम को यानी कि जब दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगी, तो देव उठाए जाएंगे। तो अब मैं बना देती हूँ जल्दी से पंचामृत। तो वैसे तो चतुर्मास वालों को इस महीने में घी नहीं खाना होता, लेकिन जब पंचामृत बनाया जाता है तो उसके अंदर जब घी डलता है तो उस दिन आप वो पंचामृत पी सकते हो, क्योंकि वो भगवान जी के भोग लगा होता है। कच्चा दूध डाल दिया है, अब डाली जाएगी दही। जब पंचामृत बनाया जाता है तो दही ज़्यादा डाली जाती है, शहद, ये है गंगा जल, ये है बताशे, तुलसी के पत्ते, और अब इसमें डाला जाएगा बिल्कुल दो बूंद के करीब देसी घी। और ये डल गया दो बूंद घी, और पंचामृत बनकर तैयार है। और अब किया जाए और काम। तो अब मैं देव सुलाऊंगी बाहर बालकनी में, क्योंकि एक तो नॉर्थ साइड में है, दूसरा पथवारी भी वहीं बनी हुई है, क्योंकि अंदर मेरे को ऑस्कर का डर है, कहीं ऑस्कर उस जो मैं देव सुलाऊंगी वहां जाकर थोड़ा छेड़खानी ना करे, तो उसका भी डर है। तो आप भी अपने घर में स्लैब पर भी बना सकते हैं, घर के किसी भी एरिया में आप बना सकते हैं, मंदिर के पास भी बना सकते हैं। तो मैं बाहर बालकनी में, ये मेरे किचन के बाहर बालकनी है, ये नॉर्थ साइड में है, तो मैं यही बनाऊंगी। तो वैसे मैंने पोछा मार लिया है, यहाँ आप देख ही रहे हैं गीला, और वैसे ऑस्कर भी काफ़ी समझदार है। तो जब से मैंने पथवारी बनाई है ऑस्कर बालकनी में नहीं आता है और ना ही इसे छेड़ता है। तो अब मैं बना देती हूँ देव। तो मैं गेहूँ से बना रही हूँ, मैं 7 गोल चक्कर बनाऊंगी। वैसे ये वीडियो जो है मैं पहले डाल चुकी हूँ, और आज बादल भी काफ़ी हो रहे हैं, ठंड बहुत हो रही है। तो ये 7 चक्कर बना दूंगी। ये तो मैं बना रही हूँ गेरू से, जो जिसे खड़िया मिट्टी भी बोला जाता है। तो आप अगर घर में बना रहे हैं तो आप इसे रोली से भी बना सकते हैं, क्योंकि मेन यही है कि कोई शुभ चीज़ से बनाएं, क्योंकि हमें देव उठाने हैं। तो मैंने ये बनाए हैं 7 देव,
तो अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ शंख। तो ये मैंने बना दी है गदा। अब बना देती हूँ चक्र। तो इधर मैं बना देती हूँ विष्णु जी के चरम। तो चलिए अब मैंने देव बना दिए, इस पर मैं बिछाऊंगी गेहूँ। तो गेहूँ आप इतनी लें कि अगर किसी को दान में दें तो वो काफ़ी सारी हो जाए। और गेहूँ के ऊपर रखेंगे गुड़। तो गुड़ आप किसी बर्तन में रखें, वरना जो गुड़ है वो सारी गेहूँ को गीला कर देता है। वो इसमें रखेंगे सिंघाड़े। मूली, रुई, एक रखेंगे दिया, क्योंकि जब देव उठाएंगे तो हमें ये दिया जलाना पड़ेगा। और फिर रखेंगे कुछ पैसे। और फिर हम देव को किसी बड़ी परात से या किसी बड़ी थाली से ढक देंगे। तो ये मैंने ढक दिया। और अब जब रात होगी तब हम देव को उठाएंगे। तो अब मैं बनाऊंगी बाहर रंगोली। रंगोली बनाने से पहले थोड़ा सा पोछा मार लिया जाए, क्योंकि साफ़ सफाई तो करनी चाहिए ना। क्योंकि जब शुभ काम करेंगे तो चाहे पहले सफाई हो चुकी हो, लेकिन फिर भी एक बार साफ सफाई करके ही जो रंगोली है वो बनाएंगे। तो मैं जो रंगोली है मैं फूलों से रंगोली बनाऊंगी, क्योंकि जब कोई, जैसे मैंने बताया था कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हमें ये 5 दिन पूरे त्यौहार की तरह ही मनाने हैं। तो बिल्कुल पूरे त्यौहार की तरह ही मनाएंगे, जैसे हमने कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर और हमने दिवाली तक पूरा जो त्यौहार मनाए थे, ठीक उसी तरह ये जो 5 दिन के त्यौहार हैं ऐसे ही मनाएंगे। क्योंकि आज जैसे एकादशी है, फिर द्वादशी आ जाएगी, फिर प्रदोष व्रत आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगी वैकुंठ चतुर्दशी, फिर उसके बाद आ जाएगी कार्तिक की पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है, और वैकुंठ चतुर्दशी को भी देव दिवाली कहा जाता है। तो मैं थोड़ी सी बना देती हूँ रंगोली। रंगोली मैं फूलों से ही बनाऊँगी, जैसा कि मैंने बताया ही था कि फूलों से सजाएं या जो रंग है रंगों से भी सजा सकते हैं, लेकिन मैं फूलों से ही सजाऊंगी आज। तो ये जो मैं फूलों की रंगोली बना रही हूँ, ये मैं अपने घर के जो मेन गेट है उसके बाहर बना रही हूँ, क्योंकि फूलों की रंगोली थोड़ा बनाना आसान होता है, ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, इसमें थोड़ा टाइम भी नहीं लगता। तो बस झटपट से जो हमारी रंगोली है वो भी तैयार हो गई है। तो ये रंगोली जो मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है शाम को, क्योंकि अब थोड़ी देर में मैं यहाँ फिर जलाऊंगी दिए, और अब जहाँ पर तुलसी जी विराजमान हैं वहाँ पर भी तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे तुलसी जी की पूजा करनी है, उनका श्रृंगार का सामान है वो करना है, और वहाँ भी रंगोली बनाऊंगी अच्छे से। तो अभी मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ दिए जलाने की, फिर उसके बाद सभी घर के मिल के करेंगे पूजा, सिंपल सी साधारण सी, जैसी मैंने आपको बताई थी। तो ये देखिए, क्योंकि मुझे यही पूजा करनी है, इसी तुलसी मैया जी को मुझे जो चुनरी चढ़ानी है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, क्योंकि इन तुलसी जी को मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि इनकी मैं पूजा कर रही हूँ, तो इनको एक जगह से मैं उठा नहीं सकती थी। तो इनमें मैं जलाऊँगी फ्लोटिंग दिए, और कलश की स्थापना मैंने कर दी है। गोपाल जी भी आकर बैठ गए हैं, छोटे वाले राधा कृष्ण जी भी, शालिग्राम जी भी। इनको वैसे मैं किचन में रखती हूँ आजकल, क्योंकि जब सुबह मैं पथवारी की और इनकी तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, तो ये राधा कृष्ण और शालिग्राम जी यही तुलसी जी के पास आकर ही विराजते हैं। तो पूजा की तैयारी तो हो ही गई, मैंने सारा सजा दिया है बाहर, उसका बाहर नहीं जाना। तो सारा कुछ मैंने सजाई दिया है, रंगोली भी बना दी, और बहुत अच्छे से सजाया। जब आप देखोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा भोग की तैयारी भी कर ली जाए, जैसा कि बताया था खीर बना ही लिया है, और अब मैं बना रही हूँ कुट्टू के पकौड़े, धनिया की चटनी इसरत बना रही है, और दही होगी। तो बस ठाकुर जी का ही हो गया भोग। तो साथ के साथ ये भी तैयारी कर लेते हैं, फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कर लेंगे पूजा। तो अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी में मैंने पूरा सजाया, आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है।
गोपाल जी भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं, शालिग्राम जी भी बैठे हैं, तुलसी जी का पौधा, आंवला, पतवारी सब है। और सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। तो बस अब मैं कर रही हूँ पूजा लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की मैंने कर दी है, फिर पूजा तुलसी जी की। तुलसी जी को लगाएंगे तिल, ये है 108 बाती का दिया, ये तुलसी जी में लगा दिया। ये 108 बाती का दिया मैंने लगाया आंवला में। और ये 108 बाती का पतवारी जी पर। और ये 365 का। तो 108 बाती के दिए मैंने लगा दिए। ये जो दिया है ये मैं मंदिर में रखवा देती हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ आरती। तो मैं कर लेती हूँ तुलसी जी की और शालिग्राम जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ठाकुर जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, धन तुलसा पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तो जो दिए मैंने तेल के लगाए हैं वो भी मैं तुलसी जी के आसपास लगा दूंगी। एक दो दिया मैं लगाऊंगी घर में, जो मैंने घर के बाहर रंगोली बनाई है वहां पर। दिए मैं जलाऊंगी बाहर, जो घर के बाहर रंगोली है वहां भी। और ये दिए मैं लगाऊंगी तुलसी जी में। तो तुलसी जी की पूजा कर ली है और किचन का भी थोड़ा बहुत काम कर लिया है। अब मैं उठा देती हूँ दे। तो जो दिया और बाती है इसमें लगानी है बाती। तो देव जगाएंगे ऐसे ध्यान से। तो
सेट हो दिए, सोटक की सटका मर दिए, मूली का पत्ता ले भैया, मुन्नू का मुख पानी भर गया, बोले लटके बिदी जियो बिट्टू तेरे भाभी डरे डरे कट्टे कट्टे जियो बिमला तेरे बट्टे, उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊँ तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊँ तू खा नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवा पीवो पानी, उठो देवा बैठो देवा, उंगली चटकाओ देवा, जागो देवा जागो देवा। चलो तो जो तुलसी जी की पूजा है वो भी हो गई और देव भी उठा लिए, ठाकुर जी का भोग भी तैयार हो गया, तो अब मैं उनके लगाऊंगी भोग, फिर मैं खाऊंगी खाना क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो बस यही थी सिंपल सी साधारण सी मेरी देवउठनी एकादशी की दिनचर्या और पूजा विधि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन है उसे भी टैप करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।